राम अली माजरा राजपुरा पंजाब में पिछले 20 वर्ष से बाबा रंगे राम का डेरा मौजूद। बाबा रंगे राम का डेरा जो पिछले 20 वर्ष से ग्राम अली माजरा राजपुरा पंजाब में स्थापित है, जहां पर दिव्यांजलि के संस्थापक देव ऋषि व सहारनपुर से साध्वी सविता जमुनादास भी वहां पर पहुंचे। आइए बात करते हैं महंत संत शमशेर से, जो निर्मला अखाड़ा से हैं। कैमरामैन ईशु के साथ निशांत गुप्ता की रिपोर्ट। अभी देव ऋषि दिव्यांजलि योग ट्रस्ट हरिद्वार, और आज हम पहुंचे हैं अम्बाला। अम्बाला के स्वामी शमशेर सिंह जी महाराज महंत, जो निर्मली अखाड़े और उदासीन परंपरा को भगवान श्री चंद्र भगवान को मानते हैं, और हमारे बड़े परम मित्र हैं, बड़े सखा हैं हमारा। काफ़ी समय से एक दूसरे से आत्मीय रिश्ता है। और आश्रम में आज कार्यक्रम का था यज्ञ का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवरात्र के दिन में स्पेशल पूजा हवन यज्ञ किया जाता है, तो इसी उपलक्ष्य में हम पधारे और स्वामी जी से मिलने के दिन में बड़ी आलालसा थी और मन में बड़े भाव थे, तो हम स्वामी जी से मिलने आए और आश्रम में आके एकदम अंतरात्मा से एकदम आध्यात्मिक माहौल मिला और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है। और जितना भी साधु संतों के सानिध्य में आते हैं, उसका आनंद ही कुछ और है। साधु की तो इस प्रकार का माहौल होता है कि साधु एक निर्मल गंगा की पवित्र जल की तरह होते हैं। इनका स्वभाव, आचरण और आचार विचार व्यवहार स्पष्ट होता है। और मेरा जहाँ तक बात है कि मैं पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ और योग ध्यान प्राणायाम मेरा जीवन का लक्ष्य है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध रहता है कि जीवन जिए तो स्वस्थ जीवन जिए। मैं दिव्यांजलि योग ट्रस्ट से सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रतिदिन आधा घंटा योग के लिए निकालें तो स्वस्थ रहें। स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है और जीवन सदैव तत्पर रहे। जैसा कि आपने देखा, अभी हमने स्वामी जी से बात की, आइए हम जो हमारे बीच में साध्वी जी हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। जय श्री कृष्णा। साध्वी सविता जमुनादास जी, साध्वी जी, आप आज यहाँ पर अली माजरा पहुँचे हैं बाबा जी के पास, कोई खास वजह है कोई चीज़ आप बताइए। हाँ, वैसे तो साधु संतों को किसी अपने साधु संतों परिवार के साथ मिलने के लिए किसी कार्यक्रम की या किसी प्रोग्राम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आज क्योंकि नवमी का कार्यक्रम भी था, हवन था, यहाँ पर यज्ञ था और महाराज ने बड़े प्रेम से यहाँ पर यज्ञ रखा था और इनसे मिलने के लिए हम यहाँ आए हैं। और महाराज शमशेर सिंह जी यहाँ महंत हैं और ये अली माजरा स्थित है, ये जो इनका आश्रम है, महंत है ये, उदासीन परंपरा से हैं इन्होंने, उदासीन परंपरा से हैं और अखाड़ा इनका निर्मल अखाड़ा है, निर्मले हैं ये। इन्होंने यहाँ इतना प्रेम पूर्व वातावरण बनाया हुआ है, देखो यहाँ गाय भी है, गौशाला बनाई है, यहाँ पर इन्होंने गाँव को, गौं मैया को कटने से बचाया है। और यहाँ पर जो लोग धर्म से विमुख थे और व्यसनों में थे, इन्होंने कितना पवित्र कार्य किया कि धर्म की शिक्षा दी और उनका मार्गदर्शन किया, गायों को यहाँ पर कटने से बचाया है और यहाँ पर हवन पूजन यज्ञ शिक्षा इसके प्रति सचेत किया है। यहाँ पर हर कहीं इन्होंने देखो धुना भी रमा हुआ है यहाँ पर, और प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ काफ़ी है और निर्माण हुआ है यहाँ। ये इनकी ही तपस्थली कह सकते हैं कि जहाँ इन्होंने 20 वर्षों से तप किया है, ये सिद्धपीठ है इनकी, इन्होंने यहाँ पर रहकर तपस्या की, इस जगह को जागृत किया है, उसी का यहाँ पर फल है कि यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और यहाँ पर यदा कदा सब धर्मालु श्रद्धालु आते रहते हैं और यहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं और काफ़ी हवन यज्ञ बगलामुखी और तंत्र मंत्र की साधना भी यहाँ एकमात्र यही जगह है इस पंजाब के क्षेत्र में, ये जो अम्बाला के पास में पड़ता है, यहाँ पर केवल यही शिक्षा देते हैं। और महाराज को एक ही सवारी करते हैं, सफेद रंग का। जैसा कि आपने देखा, साध्वी से हमने बात की और साध्वी जी ने जो है महाराज जी के बारे में इतना बताया, वो भी अभी मुझे लग रहा है कम है कि साध्वी जी जो है अभी काफ़ी सारी चीज़ों, इसी बीच में मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि हम जो है महाराज जी से एक चीज़ हमारे एक चीज़ की जो है और बात करते हैं। महाराज जी, एक और क्वेश्चन रह गया था हमारा जो आपसे, हमने सुना है कि आपके यहाँ जो है आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह का भी आपको करते हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? हम दवाइयाँ भी बनाते हैं यहाँ पे, हर संक्रांति यहाँ पे एक भंडारा होता है और अखंड प्रसाद का भोग पाया जाता है, उसके बाद जो भी लोग आते हैं सभी को दवाइयाँ मिलती हैं। तो महाराज जी, जो भंडारा होता है जो किस दिन होता है? संक्रांत को होता है, हर महीने होता है।
हर महीने होता है। तो इसमें किस किस प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं? दवाई हम कैंसर की, जैसे वैसे तो हर बीमारी की देते हैं, पर विशेष हमारे यहाँ पे जो दवाई दी जाती है कैंसर की दवाई दी जाती है। और महाराज जी, जैसे कि हर एक महाराज जी के अपने एक पर्सनल शिष्य होते हैं, खास शिष्य होते हैं, उसमें आपके कौन से शिष्य हैं वो भी जानना चाहेंगे? हमारे शिष्य हैं, उनका नाम लखविंदर सिंह है, वो हमारे शिष्य हैं। जब हम विदेश में होते हैं तो जितना भी आश्रम का काम है सब वही संभालते हैं। जैसे कि आपने देखा, अभी हमने बाबा जी से भी बात की और स्वामी जी जो हरिद्वार से आए थे उनसे भी बात की और सहारनपुर से जो गुरु माता जी आई थी साध्वी जी उनसे भी बात की। सबसे हमने बातचीत की और जाना बाबा का जो ये डेरा है उसके बारे में हमने जाना है, सारी चीज़ें हमने देखी है। तो आप जो है हमारे साथ बने रहिए इंडिया 24 टीवी न्यूज़ की टीम के साथ, हम आपको लगातार इस तरीके की न्यूज़ देते रहेंगे और आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बनाते रहेंगे। मेरे साथ बने रहिए इंडिया 24 टीवी न्यूज़ के साथ। ईशु तोमर के साथ निशांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।